10 जुलाई साल 2019 ये वही तारीख है जिस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी आउट होकर बाहर जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, सर इस निराशा से झुका हुआ था कि वे अपने देश को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत नहीं दिला सके। धोनी के साथ साथ पूरे देश की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के साथ उस ख्याल के भी थे कि अब धोनी उन्हें कभी नीली जर्सी में अपने देश के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी एक रनआउट से की थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अपने पहले ही मैच में रनआउट होने वाला ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल कर रख देगा। धोनी ने सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया। इसके बाद उन्होंने ODI वर्ल्ड कप का 28 सालों का सूखा खत्म किया और फिर भारत को धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी विजयी बनाया। लेकिन साल 2019 के उस विश्व कप में धोनी भारत को जीत नहीं दिला सके और इसकी निराशा उनके चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती थी। 9 जुलाई 2019 को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भारत को 240 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन बारिश होने की वजह से मैच को अगले दिन यानी कि 10 जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा था कि भारत इस टारगेट को आसानी से चेज कर लेगा, जिसकी कुछ खास वजह भी थी। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में 5 शतक लगाकर शानदार फॉर्म में थे, जो टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दे रहे थे। KL राहुल भी 2 अर्धशतक और 1 शतक के साथ काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे और उसके बाद विराट कोहली भी लगातार टीम के लिए रन्स बना रहे थे। लेकिन इसके बाद आज ही की तारीख यानी कि 10 जुलाई को मैच शुरू होता है और भारत के इन फॉर्म बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन में दिखाई देते हैं। भारत 240 रनों का पीछा करते हुए मात्र 24 रनों पर अपने 4 इन फॉर्म विकेट्स गंवा चुका था, जिसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने 32-32 रनों की पारी खेलकर टीम को संभाला, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने विकेट गंवा दिए। भारत का स्कोर इस वक्त तक 30 ओवर में 92 रनों पर 6 विकेट था, लेकिन इस स्थिति में भी लोगों की उम्मीद कायम थी क्योंकि उनका चैंपियन खिलाड़ी, उनका बेस्ट फिनिशर अभी भी क्रीज पर था। महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार खेल रहे रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ दिया और मैच को अंत तक लेकर जाने की कोशिश की, जिसके लिए धोनी जाने जाते हैं। लेकिन जडेजा के 48वें ओवर में 77 रनों पर आउट होने के बाद पूरे देश की उम्मीदें अब सिर्फ धोनी पर ही टिकी हुई थीं। भारत को 11 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी, रिक्वायर्ड रन रेट भी आसमान छू रहा था। धोनी ने अगले ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट को काबू में लाने के लिए 1 सिक्स मारा, उसके बाद लोगों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। अब जीतने के लिए 10 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत थी और धोनी ने ये कारनामा कई बार किया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर धोनी रन आउट हो गए और उनके आउट होते ही पूरा देश गमगीन था। धोनी पवेलियन की तरफ लौट रहे थे और पूरा देश कहीं ना कहीं जानता था कि अब शायद धोनी उन्हें कभी नीली जर्सी में भारतीय टीम के लिए खेलते नहीं दिखेंगे। उन्होंने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत की उसी तरह से खत्म भी किया, लेकिन बीच में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन 10 जुलाई ये वो तारीख है जिसे भारत का हर क्रिकेट प्रेमी जरूर भूलना चाहेगा और इस बार भारत के पास इसे भुलाने का और ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने का सुनहरा मौका भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही खेला जाना है और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए नई यादें देगी।